2019 के डिफेमेशन केस में गिल्टी प्रूफ होने के बाद राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया एस एमपी। बट ये पहली बार नहीं है जब किसी एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा हो। 1971 में अपने बरेली इलेक्शन कैंपेन के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय पर वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी की अनड्यू फेवर्स ली थी टू सेटअप हर इलेक्शन रैली कैंपेन स्टेज माइक्स एंड अदर थिंग्स। ये अलाउड नहीं था। Consequently, 1975 में अलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनको करप्ट पाया एंड गिल्टी पाया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये वही केस था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। जी हाँ, राज नारायण केस। इस केस के वर्डिक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर इंदिरा गांधी को पार्शियल रिलीफ मिला। एमपी के प्रिविलेजेस तो चले गए थे बट शी कुड कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगले ही दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने बीइंग द प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी प्रोक्लेम करवा दी एंड द रेस्ट एज वी ऑल नो इज हिस्ट्री।